हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। दिस इज अंजना ठाकुर और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि कौन सी अध्ययन को क्या बोला जाता है। यानी बहुत बार आपने इस तरह के क्वेश्चन देखा होगा एग्जाम में, एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि किस चीज की स्टडी को क्या नाम दिया जाता है, क्या बोला जाता है। तो उससे ही रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो सारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर देंगे, तो कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। मानव शरीर की संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ह्यूमोलॉजी या सोशियोलॉजी। अब मानव शरीर के, ह्यूमन बॉडी के अध्ययन को बोला जाता है एनाटॉमी। बिल्कुल सिंपल ए राइट आंसर इसमें एनाटॉमी। फिजियोलॉजी इज अ, तो फिजियोलॉजी किस किस स्टडी को बोला जाएगा? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी या स्टडी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ या फिर स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स। फिजियोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की जो कार्य प्रणाली है उसके अध्ययन को बोला जाता है फिजियोलॉजी। बी इसमें राइट आंसर। स्टडी ऑफ सेल, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये प्रीवियस एग्जाम में। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोला जाएगा? मायोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ट्रायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। तो सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोला जाता है। डी राइट आंसर, साइटोलॉजी। नेक्स्ट है मायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, मायोलॉजी किसका अध्ययन है? स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ मसल, स्टडी ऑफ माइंड, टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। तो मायोलॉजी जो है मसल के अध्ययन को बोला जाएगा मसल मायोलॉजी। तो कुछ एक टर्म्स हैं हमारी एनाटॉमी के अंदर जो कि अक्सर पूछी जाती है, तो वही थोड़ी सी हम यहाँ पर कर लेंगे। इन्हीं को आप याद कर लेना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, बस कुछ एक चीजें हैं इसमें वो याद कर लो तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मायोलॉजी याद रखना है, मायोलॉजी है, साइटोलॉजी है, ठीक है। तो मसल के अध्ययन को बोला जाएगा मायोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड, तो किडनी के अध्ययन को क्या बोला जाएगा? नेफ्रोलॉजी, क्रेनियोलॉजी, हिस्टोलॉजी या ओडोंटोलॉजी। किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी बोला जाएगा। ए राइट आंसर, नेफ्रोलॉजी। और किडनी की जो संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन होती है, और नेफ्रॉन से ही मिलकर जो है किडनी बनती है। नेफ्रोलॉजी यहाँ से आपने याद रखना है, किडनी की स्टडी को बोला जाएगा। फिर है कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन है? बोन्स, स्कल, टीथ एंड हार्ट। कार्डियोलॉजी आप समझ सकते हैं कार्डियक से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ट की स्टडी को बोला जाएगा क्या? कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड, तो ज्वाइंट की स्टडी को क्या बोला जाएगा? जोड़ों के अध्ययन को क्रेनियोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या ओडोंटोलॉजी। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, ज्वाइंट की स्टडी भी याद रखनी है। ज्वाइंट की स्टडी को बोला जाता है आर्थ्रोलॉजी, ठीक है। आपको बहुत बार आपने सुना होगा आर्थ्रोलॉजी जो है वो ज्वाइंट की स्टडी को बोला जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, बोन्स, टिश्यू या सेल। तो हिस्टोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ टिश्यू को यहाँ पर बोला जाएगा, स्टडी ऑफ टिश्यू। राइट आंसर सी, याद रखना हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड, हड्डी के अध्ययन को क्या बोला जाएगा? ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, बोन्स, जॉइंट, सेल, मसल, ये आपने याद रखना है, ठीक है। बोन्स की स्टडी को बोला जाएगा ऑस्टियोलॉजी, बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी बोला जाएगा। आर्थ्रोलॉजी अभी हमने पढ़ा था किसकी? जॉइंट की स्टडी को, याद रखना है जॉइंट की स्टडी आर्थ्रोलॉजी और बोन्स की स्टडी ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, तो न्यूक्लियस की स्टडी को क्या बोला जाएगा? कैरियोलॉजी, हिमेटोलॉजी या फिर सीरियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है यहाँ पर कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी। हिमेटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, हिमेटोलॉजी किसके अध्ययन को बोला जाएगा? स्टडी ऑफ हीमोग्लोबिन, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड सीरम या स्टडी ऑफ टिश्यू।
तो हिमेटोलॉजी जो है वो बोला जाता है स्टडी ऑफ ब्लड को, जो ब्लड का अध्ययन रहेगा उसको हिमेटोलॉजी बोला जाएगा। ये राइट आंसर। स्टडी ऑफ ब्लड सीरम इज कॉल्ड, तो ब्लड सीरम की स्टडी को क्या बोला जाएगा, इसको सेरियोलॉजी बोला जाता है। सीरियोलॉजी, सी राइट आंसर, सीरियोलॉजी। ऑडोंटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, ऑडोंटोलॉजी किसके अध्ययन को बोला जाएगा। अब देखिए ज्वाइंट बोन्स स्कल टिथ, तो राइट आंसर टिथ। ठीक है, ऑडोंटोलॉजी आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये यहाँ पर टिथ की स्टडी को बोला जाएगा। स्टडी ऑफ स्कल इज कॉल्ड, तो स्कल की स्टडी को आर्थ्रोलॉजी, क्रेनियोलॉजी, कार्डियोलॉजी या कैरियोलॉजी क्या बोला जाएगा। तो अभी आर्थ्रोलॉजी भी हमने पढ़ लिया, जॉइंट की स्टडी को बोला जाएगा, और कार्डियोलॉजी जो है हार्ट की स्टडी को बोला जाता है, कैरियोलॉजी जो है वो हमारा न्यूक्लस की स्टडी को बोला गया है, और तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, क्रेनियोलॉजी। क्रेनियल भी स्कल को क्या बोला, स्कल या खोपड़ी जिसको बोलते हैं उसको क्रेनियल भी बोला जाता है, तो क्रेनियल से याद रखना है इसको, क्रेनियोलॉजी बोला जाएगा। ठीक है, स्कल को हम क्या बोलते हैं, जो बाहर वाली जो परत होती है उसको क्रेनियल भी बोला जाता है, तो ये हमारा बी राइट आंसर इसमें रहेगा। फिर है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, साइटोमॉर्फोलॉजी या साइटोपैथोलॉजी या साइनोलॉजी, कोशिका किस रचना के अध्ययन को क्या बोला जाएगा। इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, साइटोमॉर्फोलॉजी। तो आमतौर पर आपको यही पूछा जाता है कि सेल की स्टडी को क्या बोला जाएगा, तो साइटोलॉजी याद रखना है, साइटोलॉजी। तो इस तरह से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनाटॉमी से रिलेटेड इस टॉपिक में बनते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी रहती है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन सब आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन को भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डेली क्विज मिल जाएगी और बहुत सारी चीज़ें फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे।